हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएसआर दिवा म्यूजिक। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बढ़िया कॉर्ड्स फिंगर्स एक्सरसाइज, जिसे मैंने खुद बनाया है और मैंने इस एक्सरसाइज का नाम रखा है डीएसआर पियानो एक्सरसाइज नंबर 11। अब यदि आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या फिर आप एडवांस और प्रोफेशनल लेवल पे क्यों ना हो, ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। और इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप हारमोनियम, पियानो, कीबोर्ड किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए अब चलते हैं और डीएसआर पियानो एक्सरसाइज नंबर 11 को प्ले करना सीख लेते हैं। मैं आपको यह एक्सरसाइज 3 पार्ट्स में प्ले करना सिखाऊंगा। फर्स्ट पार्ट राइट हैंड, सेकंड पार्ट लेफ्ट हैंड, थर्ड पार्ट बोथ हैंड। अभी हम फर्स्ट पार्ट राइट हैंड से प्ले करना सीख लेते हैं। राइट हैंड में आपको 3 फिंगर्स यूज करना है, 1 3 5, यही 3 फिंगर्स आपको यूज करना है राइट हैंड से। अभी ऑक्टेव स्टार्ट होता है सी नोट से, तो हम सी नोट से प्ले करना सीखना स्टार्ट करते हैं। पहले आपको फिंगर पोजीशन सेट करना है स्केल के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5, 5 फिंगर्स 5 कीज, और फिंगर्स आपको कौन से यूज करना है, 1 3 5। अभी इन फिंगर्स को यूज करते हैं और देखते हैं कौन से कीज प्ले होंगे। 1 3 5, कौन से कीज प्ले हुए, सी ठीक है। अब हमें हाथ को शिफ्ट करना है सेकेंड नोट डी फ्लैट पे, और सेम टू सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। पहले फिंगर सेट करो और फिर 1 3 5 फिंगर को प्ले करो। 1 3 5, नोट्स कौन से प्ले हो रहे हैं, डी फ्लैट, एफ, ए फ्लैट। आप नोट्स को ऊपर वाले पियानो में देख सकते हो, वहां पर आपको सारे नोट्स दिखेंगे। अभी नेक्स्ट नोट डी, अभी ई फ्लैट से ई, एफ, एफ शार्प, जी नोट, ए फ्लैट, ए, बी फ्लैट, देन लास्ट बी नोट। ये हुआ आपका असेंडिंग। अभी हम डिसेंडिंग प्ले करना सीख लेते हैं सी नोट से, सेम टू सेम फिंगर और सेम टू सेम कीज हमें प्ले करना है। बी नोट से बी फ्लैट, ए, ए फ्लैट, जी, एफ शार्प, एफ, ई, ई फ्लैट, डी, डी फ्लैट, और अब लास्ट सी नोट। तो यहां पर कंप्लीट हुआ फर्स्ट पार्ट राइट हैंड से असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब ये पूरा एक साथ फास्ट कैसे प्ले होगा देखिए। असेंडिंग, अब डिसेंडिंग, ठीक है। अभी हम सेकंड पार्ट लेफ्ट हैंड से प्ले करना सीख लेते हैं। लेफ्ट हैंड में आपको सेम टू सेम 5 फिंगर्स 5 कीज स्केल को फॉलो करते हुए रखना है, ठीक है। और फिंगर हमें कौन से यूज करना है, 5 3 1, राइट हैंड में था 1 3 5, अभी लेफ्ट हैंड में है 5 3 1, ठीक है। अब इन 5 3 1 फिंगर्स को प्ले करते हैं और देखते हैं कौन से नोट्स प्ले होते हैं। कौन से नोट प्ले हुए, सी, ई, जी, जो राइट हैंड में चल रहा था वही सेम टू सेम हमें लेफ्ट हैंड से प्ले करना है। देखिए सी, ई, जी, अभी शिफ्ट करना है डी फ्लैट पे, 5 कीज 5 फिंगर्स और 3 फिंगर्स हमें यूज करना है। 5 3 1, अभी डी से ई फ्लैट, ई, एफ, एफ शार्प, जी, ए फ्लैट, ए, बी फ्लैट, अभी लास्ट बी नोट से। यह हुआ
हुआ असेंडिंग, अब डिसेंडिंग प्ले करना सीख लेते हैं सी नोट से। लास्ट सी नोट से। अभी हमने सेकंड पार्ट लेफ्ट हैंड से भी असेंडिंग और डिसेंडिंग प्ले करना सीखा, अभी ये फास्ट कैसे प्ले होगा एक साथ देखिए। ये था असेंडिंग, अभी डिसेंडिंग। इस टाइप से प्ले होगा डिसेंडिंग। अभी यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट राइट हैंड और सेकंड पार्ट लेफ्ट हैंड से प्ले करना सीखा, अभी लास्ट थर्ड पार्ट बोथ हैंड यानी कि दोनों हाथ से प्ले करना हम सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको फिंगर पोजीशन सेट करना है स्केल के अकॉर्डिंग। अब आपको प्ले करना है सी डी जी, दोनों हाथ में सेम टू सेम। फिर शिफ्ट करना है, फिर से शिफ्ट, असेंडिंग, अभी डिसेंडिंग सी नोट से। ए नोट से, एफ फ्लैट, जी, एफ शार्प, अभी हमने थर्ड पार्ट बोथ हैंड यानी कि लेफ्ट टू राइट दोनों हाथ से एक साथ प्ले करना सीखा, अब ये असेंडिंग डिसेंडिंग पूरा एक साथ दोनों हाथ से फास्ट कैसे प्ले होगा देखिए। इस टाइप से प्ले होगा ठीक है। अब आपको मेरी बनाई हुई DSR पियानो एक्सरसाइज नंबर 11 कैसी लगी ये इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।